वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर एज यू एडमिनिस्ट्रेटर यूट्यूब क्लास आई एम मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रेक्टर आज हम बात करने वाले हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट एज यू रेडी कनेक्ट पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन मैनेज एज यू रेडी ज्वाइन जिसमें हमने अपने ऑन ऑनप्रोमाइसिस की विंडोज़ इलेवन ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करके देखा था बिट लॉकर कॉन्फिगर करके उसकी कीज़ को सेव करके देखा था यूजर का पासवर्ड प्रोटेक्ट करके देखा था नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट अनदर हाइब्रिड मैथड यस इट्स आल्सो टाइप ऑफ हाइब्रिड मैथड जब भी हम अपने इन्वायरमेंट को एस डी यूर इन्वायरमेंट को ऑन प्रोमाइसिस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और ऑन प्रोमाइसिस की सर्विसेज को एच यूर की सर्विसेज से कनेक्ट कराने का काम करते हैं ये हमारा कंसिडर करता है एज ए हाइब्रिड इन्वायरमेंट और इस हाइब्रिड इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए एज यू रेडी ज्वाइन एंड एज यू रेडी कनेक्ट बोथ कैन हेल्प अस चलिए स्टार्ट करते हैं बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल और रियल इन्वामेंट रिले रियल सीनियरियो बेस्ड ट्रेनिंग वीडियोज़ प्रोवाइड करता है uh, जिससे आप अपने कैरियर को जिससे आप अगर किसी आईटी टी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर टिकेट्स इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर आईटी टी कैरियर एज वेल अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फॉर uh, एग्जाम्पल ये अपना एजूर का पोर्टल हो गया फॉर एग्जाम्पल ये अपना एजूर का पोर्टल हो गया और ऑन प्रोमाइसिस पे हमने एक विंडोज सर्वर 2016 राइट right? ये अपने पास विंडोज सर्वर 2016 का एक लोकल ऑन सर्वर ऑनप्रोमाइसिश कर रखा है और इस सर्वर पे हमने एक्टिव डायक्टिव डोमेन सर्विसेज को भी इंस्टॉल कर रखा है वी सर्वर 2016 और इस सर्वर 2016 पे हमने डोमेन इंस्टॉल कर रखा है विद नेम ऑफ कॉम के नाम से क्योंकि एक्टिव डायक्टिव इंस्टॉल करना उसको मैनेज करना यू नो वेरी वेल तो दैट्स वाई पहले से ही हमने डोमेन कंट्रोलर कॉन्फिगर करके रख दिया है अब कुछ यूज़र्स हैं इसके ऑन प्रोमाइसिस पे यूजर्स लाइक एज अभी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एज योर पोर्टल पे एज योर ए का पैनल है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑन प्रोमाइसिस डोमेन मशीन को एज योर पोर्टल के साथ या एजर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें यह हमारा एजेंडा है ये हमारा मेन मोटो है तो मे का कॉम्युनिकेशन बिटवीन ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर टू एज योर एक्टिव डायरेक्ट्री सेटअप देख लेते हैं एक बार यहाँ पर हम अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन यानी जो बी एम ए वर्क स्टेशन पर सर्वर ट्वेंटी सिक्सटीन डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया है उसको कनेक्ट कर लेते हैं यह अपना ऑन प्रोमाइसिस बी एम ए वर्क स्टेशन और इस बी एम ए वर्क स्टेशन के ऊपर एक सर्वर ट्वेंटी सिक्सटीन का मशीन इंस्टॉल किया है ओ एस इंस्टॉल किया है और इस ओ एस के अंदर हमने एक्टिव एक्टिव डोमेन सर्विस को कॉन्फिगर कर रखा है ठीक है तो ये अपना ऑनप्रोमाइस डोमेन कंट्रोलर हो गया और इस डोमेन कंट्रोलर में टूल्स पे चल के देख लेते हैं कितने यूजर्स अवेलेबल हैं एक्टिव एक्टिव यूजर एंड कंप्यूटर्स के ऑप्शन पे जाएंगे और ये हमें क्लास डॉट कॉम का आइकन दिखाई पड़ रहा है यूजर्स पे क्लिक करते ही टाटा यूजर ट्रेनिंग यूजर एंड आली बाबा तीन अलग यूज़र्स हमने अपने ऑन प्रोमाइस मशीन पर क्रिएट कर रखे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तीनों यूज़र्स सक्सेसफुली हम अपने एच यू पोर्टल यहाँ पे हम पोर्टल को ओपन कर लेते हैं पोर्टल डॉट एस यू डॉट कॉम और आई एम यूजिंग माई पे एच यू गो अकाउंट इसको लॉग इन करा लेते हैं ये अपना एस पोर्टल ये ऑन प्रोमाइस डोमेन कंट्रोलर सर्वर ट्वेंटी सिक्सटीन पर रन कर रहा है एडी एजूर पोर्टल ओपन करने के बाद एजूर एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन कर लीजिए एंड इस एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे यूजर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा यूज़र्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि एस एस पी आर एम एफ ए एडी ज्वाइन ये सभी टास्क हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं अब यहाँ पे हम हाइब्रिड सेटअप के जरिए एंड ए डी कनेक्ट के थ्रू ऑम्प्रोमाइस मशीन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप देखिए ए डब्ल्यू एस एस जी जी सी पी टेलनेट ये चार यूज़र पहले से ही आके क्रिएट किए हैं मीन्स जो हमने इस पोर्टल की हेल्प से क्रिएट कर रखा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अली बाबा टाटा एंड ट्रेनिंग ये तीनों यूज़र्स भी यहाँ पे सिंकनाइज़ हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें ए डी कनेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी और एस जी ए डी कनेक्ट क्या करेगा इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा जिससे आप ऑनप्रोमाइसिस के ए डी यूज़र्स को Azure एक्टिव डायरेक्टिव पोर्टल पे आसानी से कर पाएंगे ठीक है प्री रिक क्या कहता है कि क्या क्या आपको पहले से ध्यान में रखना है अगर आप ये सेटअप प्लान कर रहे हो पहले हम Azure की बात कर लेते हैं Azure पोर्टल पे आपको पहला स्टेप क्रिएट वन यूजर क्रिएट AD यूजर ठीक है कहां से क्रिएट करना है आपको एक्टिव डायरेक्टरी से एक यूजर क्रिएट करना है और उस यूजर को मेक इट मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यस आपको क्या करना है इसको मेंबर ऑफ किसका बनाना है मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर इसको आपको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर असाइन कर देना है दैट्स इट एसजी पोर्टल की रिक्वायरमेंट खत्म ऑन ऑनप्रोमाइस की बात कर लेते हैं ऑन प्रोमाइसिस पे जो पहली रिक्वायरमेंट है आपका डोमेन रन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से डोमेन इंस्टॉल होना चाहिए सेकेंड स्टेप आपको एटलीस्ट मिनिमम 20 एम की इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए 20 एम की स्पीड इंटरनेट एक्सेस आपको प्रोवाइड करना है नंबर थर्ड पे बात करें तो इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल आप बोल सकते हैं इंस्टॉल एजियोर AD कनेक्ट आपको क्या करना है Azure AD Connect कनेक्ट एक टूल है और इस Azure AD कनेक्ट टूल के जरिए हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम करेंगे तो दो रिक्वायरमेंट हमारे Azure पोर्टल की है ठीक है ये दो रिक्वायरमेंट हमारे पास Azure पोर्टल की है Azure AD के, के केस में और ये दो रिक्वायर तीन रिक्वायरमेंट जो है ऑन ऑनप्रोमाइस की है एवरी थिंग इज़ ओके okay. रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं आ, पहले पोर्टल पर चलते हैं ऑलरेडी मल्टीपल यूज़र्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एज है ए डब्ल्यू एस है जी है, है। ये कुछ यूजर्स ऑलरेडी अवेलेबल है एज को हम ग्लोबल एडमिन का मेंबर बना देते हैं ठीक है इस यूज़र के जरिए हम अपने ऑन ऑनप्रोमाइस मशीन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो ये हमने क्या किया इस यूजर को कॉपी किया पासवर्ड वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले इसको क्रिएट किया है तो जस्ट वांटेड टू क्लियर द पासवर्ड कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है पासवर्ड में तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इनकॉगनीटो बिजेड पोर्टल डॉट एच डॉट कॉम और इसको हम ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज बिट कन्फ्यूज अबाउट द पासवर्ड तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका पासवर्ड आई थिंक गुड ठीक है करेक्ट है जो पासवर्ड हमने कॉन्फिगर किया था सेम ही है चलिए नो नीड टू डू एनी थिंग यहाँ पर हमने पासवर्ड को किया वेरीफाई अब आप रूट अकाउंट पर आ के जहाँ पर आपने टेलनेट यूजर या एज यूज़र क्रिएट किया है इसके एड असाइंड रोल पर जाएंगे अंडर द असाइंड रोल हमें इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की पावर देनी है या इसको डेलीगेट करना है एज ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एड असाइनमेंट्स में जीरो कोई भी रोल्स असाइन नहीं है ऐड पे क्लिक करना है आपने एड पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल इन रोल्स यहाँ पे देखो मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ मोर देन हंड्रेड रोल्स सारा अवेलेबल बट हमें किससे काम है हमें ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से काम है तो इस सर्च बटन पे आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करेंगे सेलेक्ट करेंगे ऐड पे क्लिक करेंगे एंड एज यूजर को हमने असाइन कर दिया ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेम्बर अब इसी यूज़र के थ्रू ऑन प्रोमाइस ए डी को कॉन्फिगर करेंगे और उसके यूजर्स को एजी यूर पोर्टल पर सिंकनाइज करने का काम करेंगे दिस इज आवर एजेंडा यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अभी चलिए अब आ जाइए ऑन प्रोमाइसिस पे ऑन प्रोमाइसिस पे हमें क्या करना है ऑन प्रोमाइसिस मशीन पे आप सर्वर ओपन करेंगे और इस पे एक टूल डाउनलोड करना है डेफ़िनेटली हमने जैसा कि प्रेरिक बात की थी कि आपको एक टूल डाउनलोड करना है उस टूल के जरिए ठीक है उस टूल के जरिए हम इस यूज़र्स को एक्टिव एक्टिव यूजर्स को सिंकनाइज करने का, का काम करेंगे बिफोर दैट अगर आपको सर्वर पे इंटरनेट यूज़ करना है तो एक छोटी सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी आप सर्वर मैनेजर बिजर्ट ओपन करेंगे लोकल सर्वर पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे देखिए एक आई इंटरनेट इनहस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करेंगे और इसको टर्न ऑफ कर देंगे टर्न ऑफ करने के बाद गूगल पे क्लिक करिए गूगल ओपन करिए सॉरी एंड रिचस नी टू डाउन लोड वन टूल एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना है हमें एज योर ए डी कनेक्ट जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट असाइन करेगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड एज योर ए डी कनेक्ट ठीक है या आप टाइप कर देंगे गूगल पे या आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर ले जाएगा ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल साइट हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि एडी कनेक्ट का जो टूल है वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही डाउनलोड करें चलिए ये एज यू एडी कनेक्ट एम एस आई वन हंड्रेड फोर्टी थ्री एम बी का टूल है फटाफट आप डाउनलोड करिए अपने ऑन प्रोमाइसिस पे और इसको प्रोसीड करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए डन डाउनलोड करने के बाद आप प्रोसीड करिए इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस कुछ प्री रिक्विजिट्स है क्रेडेंशियल है जो एक एसजीय का क्रेडेंशियल और एक अपना ऑन कॉम्प्रोमाइस का क्रेडेंशियल प्रोवाइड करते ही आपके सभी यूजर्स एसजीयर पोर्टल पे श्रिंकनाइज हो जाएंगे नेक्स्ट यूज एक्सप्रेस सेटिंग क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कॉन्फिगर कर रहे हैं अब देखिए यहां पे पहला स्टेप है प्रोवाइड ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हमने एजूर को बनाए रखा है यहाँ पे जो एडी क्रिएट कर रखा है एडी का यूजर है एजूर उसको हमने ग्लोबल का मेम्बर बना रखा है कॉपी कर लीजिए यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं और जो भी आपने पासवर्ड यूज किया है ना वो पासवर्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए ये आपका ऑथराइज़ करेगा एस पोर्टल पे आपकी इस मशीन को ऑन प्रोमाइस डोमेन कंट्रोलर को और जिसके थ्रू आप अपने प्रोमाइसिस यूजर्स को सिंकनाइज कर पाएंगे दूसरा क्रेडेंशियल है ऑनप्रोमाइसिस डोमेन क्लास डॉट कॉम स्लैश एडमिन ठीक है और पासवर्ड जो भी आपने ऑन प्रोमाइस मशीन का पासवर्ड रख रक रखा है वो पासवर्ड आप असाइन कर दीजिए नेक्स्ट एवरीथिंग इज ओके कंटिन्यू विदाउट मैचिंग नेक्स्ट आई एंड इंस्टॉल इंस्टॉलेसन इज़ इन प्रोग्रेस एक से दो मिनट का टाइम लगेगा इसको सिंक्नाइज होने में बट कुछ कम्पोनेंट्स हैं एज योर ए डी कनेक्ट जब आप सेटअप करते हैं तो कुछ सर्विसेज कुछ कम्पोनेंट्स हैं जो एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें मालूम होने चाहिए सो लेट मी हेल्प यू टू डिफाइन एज़ योर ए डी कनेक्ट येस एज योर ए डी कनेक्ट फीचर्स ठीक है यहां पे हम क्या करने वाले हैं एस यू रेडी कनेक्ट के फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या ऑप्शन मिलता है यहां पे इट विल प्रोवाइड यू ऑप्शन ऑफ पासवर्ड हैश सिंकनाइजेशन दूसरा हमें मिलेगा पासवर्ड हैश सिंक्नाइजेशन और दूसरा पासवर्ड राइट बैक पासवर्ड है एंड पासवर्ड राइट बैक इसी पार्ट में हमें एस एस ओ का ऑप्शन मिलेगा विच इज कंसिडर एज ए सिंगल साइन ऑन ठीक है और सेम एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट के थ्रू आप ए डी एफ एस एक्टिव डायरेक्टिव फेडरेशन सर्विसेस सो ये सभी पॉइंट्स ये सभी पॉइंट्स आपको एच जी रेडी कनेक्ट के केस में आसानी से फाइंड कर सकते हैं आप इनको कैप्चर कर सकते हैं ठीक है इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस अभी भी इंस्टॉलेशन चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेन वाइल थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है इसकी मीनिंग्स क्या है राइट पासवर्ड हैज सिंकनाइजेशन क्या करता है अगर हम बात करें तो पासवर्ड है ऑन प्रोमाइसिस पे जो यूजर्स आपने तैयार कर रखे हैं ठीक है लोकल पे जो यूजर्स आपने तैयार कर रखे हमने आई थिंक टाटा के नाम से एक यूजर क्रिएट कर रखा है एक हमने ट्रेनिंग के नाम से क्रिएट कर रखा है और एक आली के नाम से क्रिएट कर रखा है ठीक है ये सभी यूजर्स आपके ऑन प्रोमाइसिस पे रन कर रहे हैं जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो यू नो दैट केस में कुछ ना कुछ आपको पासवर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एडी के यूजर में तो मैंडेटरी है कि आपको पासवर्ड कॉन्फिगर करना पड़ेगा राइट इट्स मैंडेटरी टू कॉन्फिगर द पासवर्ड पासवर्ड हैस क्या करता है ये आपके जो पासवर्ड है ना इनको एस यू पोर्टल पे यूजर के साथ साथ यूजर सिंकनाइजेशन आपका यूजर सिंकनाइज होगा टाटा यूजर एस पोर्टल पे दिखने लगेगा अलीबाबा यूजर आपको एस पोर्टल पे दिखने लगेगा ठीक है ट्रेनिंग यूजर आपको एज पोर्टल पे दिखने लगेगा लेकिन पासवर्ड हैस क्या करता है इस पासवर्ड को सिंकनाइज करने का काम करता है पासवर्ड हैस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑन प्रोमाइस पे जो आपने एडी यूजर्स के पासवर्ड कॉन्फिगर किए हैं ना उनको ये करने का काम करता है पोर्टल के ऊपर एज इट इज अगर आप एजूर एडी से इनका पासवर्ड कॉन्फिगर करते हैं मीन्स जस्ट अपोजिट अगर आप इन सभी यूजर्स का पासवर्ड एज एडी के थ्रू करते हैं तो ऑन प्रोमाइस पे सिंकनाइज होने के लिए पासवर्ड राइट बैक का काम आता है पासवर्ड राइट बैक इसका वाईसी वर्ड सा ठीक है पी डब्ल्यू डी राइट बैक पासवर्ड राइट बैक क्या करेगा आपके ऑन प्रोमाइसिस के यूजर पे एजूर के थ्रू जो पासवर्ड आपने रिसेट किया उनको यहाँ तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा यहाँ तक सिंकनाइज करने का काम करेगा ज दैट क्लियर कॉन्फिग्रेशन इंस्टॉल से successfully. अब आप एडी यूजर्स पे आ जाएंगे क्योंकि जितने भी यूजर्सिएट किए सभी आपको Azure Portal पे दिखने चाहिए। अब देखेंगे कि टाटा टेलनेट ट्रेनिंग ठीक है आली ये जितने भी यूजर आपके ऑन प्रोमाइस से आए हैं उनके सामने यस दिखाई पड़ रहा है ये हमारा यस टाटा येस बिल्कुल ऑन प्रोमाइसिस से आया है ट्रेनिंग ऑन प्रोमाइस से आया है अली बाबा ऑन प्रोमाइस से आया मतलब जो यूज़र्स आप अपने लोकल मशीन ए पे क्रिएट किए थे वो सभी यूज़र्स आपके टाटा ट्रेनिंग अली बाबा ये तीनों यूजर आपके एज यू पोर्टल पर एज इट इज़ दिखने लगे इट मीन्स दैट एज यू रेडी कनेक्ट सक्सेसफुली हमने तैयार कर दिया है एज यू रेडी कनेक्ट के थ्रू हमने ऑन प्रोमाइस के यूज़र्स को सक्सेसफुली पोर्टल पे कॉन्फिगर कर दिया उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कहीं पे कोई डाउट कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए 100 परसेंट आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको सोल्यूसन देने की कोशिश करेंगे टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए अपने फ्रेंड कुलीग में शेयर करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ कर पाए थैंक यू गाइज टेक केयर एंड बाय